करनाल से कांग्रेस उम्मीदवार और हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। जी हां, दिव्यांशु बुद्धिराजा को जमानत मिल गई है और उसकी जानकारी खुद उनके वकील ने दी है। जरा आप भी सुनिए। कोर्ट ने उनकी बेल ग्रांट की। तो सर क्या आधार क्या रखा गया था? जब जो ये कि बेलेबल ऑफेंस था ये जी, और हम बटलियन सेंटर कर रहे हैं। बेलेबल ऑफेंस में जो है जेल में भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। माइक ऑफ हमने रिक्वेस्ट की, अदरवाइज आल्सो कंपाउंडेबल ऑफेंस है जी। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि वी आर रेडी टू कंपाउंड द ऑफेंस इन द लाइट ऑफ ऑल दिस। बेल वाज ग्रांटेड टू देखिए, ये रेगुलर बेल है क्या? कौन सा रेगुलर बेल माइंड ठीक है। और नेक्स्ट हियरिंग है, इसमें क्या क्या आगे रहेगा? दरअसल करनाल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और हरियाणा यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा पर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ बेरोजगारी को लेकर फ्लेक्स बोर्ड लगाने पर केस दर्ज हुआ था। इस मामले में कोर्ट ने बुद्धिराजा को पेश होने के लिए कई बार सम्मन जारी किए थे, लेकिन दिव्यांशु कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके चलते दिव्यांशु बुद्धिराजा को पंचकुला कोर्ट ने भगोड़ा घोषित करार कर दिया था। लेकिन अब दिव्यांशु को बड़ी राहत मिली है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वो अब लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। पंचकुला से उमंग शोरान, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।